कुमार का विकास के मॉडल की पोल खुल गई है और इसी से पता चलता है कि नीतीश कुमार के बिहार का मॉडल पटना के 5 किलोमीटर दायरे में सिमट गई है। निश्चित रूप से इसका जवाब कुशेश्वर स्थान से मिलेगा, जिस कुशेश्वर स्थान को लालू जी ने प्रखंड का दर्जा दिया, आज विकास की कोई रोशनी वहाँ नहीं पहुँची है। मैं हैरान हूँ इस बात से। नीतीश कुमार को शर्मिंदगी का एहसास करना चाहिए, जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। कुशेश्वर स्थान का 16 वर्षों से जो उपेक्षा है, इसके खिलाफ व्यापक जन समुदाय का एक आक्रोश है और नीतीश सरकार से लोग बदला लेने के बतौर इस चुनाव को ले रहे हैं, इसलिए वहां जाति का समीकरण टूट गया है। मेरा मानना है कि कुशेश्वर स्थान में इस बार जाति का समीकरण टूट गया है। दलित, गरीब, पिछड़ा, यहाँ तक ऊँची जाति के भी ब्राह्मण समुदाय के लोग भी इस अभियान में मुखरता से आए हैं कि इनको एक सबक मिलना चाहिए, कुशेश्वर स्थान के पिछड़ेपन का सजा नीतीश जी को मिलना चाहिए, ये एजेंडा बन गया है। इसलिए मुझे तो लग रहा है कि भारी अंतर से जीत होगी और हार के अंतर को कम करने की लड़ाई में अब जदयू के